मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में जल्दी बताऊंगी तो इस वीडियो में वीलिकॉन मेरिट सेव अ प्लान वट टू डू इन नॉन मेरिट सेक्शन सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जम्प इन टू दीडियो सबसे पहले यू विल सी देयर आर फाइव सब्जेक्ट इन योर नॉन मेरिट सेक्शन आउट ऑफ द एट सब्जेक्ट इन फेज वन ऑफ नाबार्ड ग्रेडे अब इन फाइव सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, यू विल सी कि इनका टोटल होता है हंड्रेड मार्क्स मतलब ये हंड्रेड मार्क्स के आते हैं इनमें जो मार्क्स आ रखे हैं दैट विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन योर फाइनल मेरिट यहां यू जस्ट नीड टू क्लियर द सेक्शनल कट कितने होंगे ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इफ आई टॉक अबाउट क्वांट सो दैट वॉज फाइव इट वॉज रिड्यूस अब देखो यहां पे मैक्सिमम मार्क्स जो क्वांट में गए हैं वो फाइव ही गए हैं देन रीजनिंग की मैं बात करूं तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव इसमें दोनों साल में कॉमन था देन इंग्लिश की मैं बात करूं तो यस यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा द कट ऑफ इन द इंग्लिश सेक्शन देन कंप्यूटर में बात करूं तो हियर यू कैन सी इट जो कि हाईएस्ट थी लास्ट ईयर देन डिसीजन मेकिंग में टेन में से अभी तक हाइएस्ट गई है राइट right? तो इनसे आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है देखो इफ आई टॉक अबाउट द क्वांट रीजनिंग एंड कंप्यूटर इन तीनों सब्जेक्ट में यू विल सी ही आपकी जो कट ऑफ जाती है दैट इज अराउंड 25 परसेंट इसका मतलब अगर आप इतने मार्क्स को ले आओ आपको फेज वन में नॉन मेरिट सब्जेक्ट की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बस जो आपको थोड़ा सा वेयर रहना पड़ेगा वो रहना पड़ेगा इंग्लिश के केस में बिकॉज इंग्लिश में कट ऑफ क्लियरली इंक्रीज होती जा रही है तो यहाँ पे योर टारगेट शुड बी टू गेट अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी ठीक है फोर्टी टू फिफ्टी इन इंग्लिश कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि दिस ईयर में भी नेक्स्ट ईयर आपकी कट ऑफ जो है थर्टी फाइव थर्टीन पॉइंट फाइव फोर्टीन और फिफ्टीन पहुंच जाए इसके बाद आपका केस है डिसीजन मेकिंग का देखो डिसीजन मेकिंग न्यू था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इंट्रोड्यूस हो रखा है इसीलिए द कट ऑफ इज वेरी वेरी लो Even in 2021 also, in 2022 also. So, थी, पर यहाँ पे आप ये कोशिश मत करना की मैं दो ही मार्क्स लेकर आऊँ तीन चार मार्क्स के लिए टारगेट करो राइट क्योंकि जितना हम टारगेट करते हैं यूजली उतने मार्क्स हम लाते नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा टारगेट को हायर सेट करके चलना है एंड इन नॉन मेरिट सेक्शन में आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है आप सबसे पहले पिक कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ योर रीजनिंग

टॉपिक्स, राइट right? तो ये आपके पास पांच टॉपिक होते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग-डिकोडिंग साइलो इस टाइप के क्वेश्चन आपके, आपके आते हैं राइट तो इसके अलावा आपके पास दूसरी टारगेट क्या रहने वाला है या दूसरे आपके क्या चीज आप कर सकते हो तो इन दैट केस यू विल सी यहाँ पे दो और टॉपिक है जिन में से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं इफ़ आई टॉक यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरे क्लियर हो ही जाए अच्छे से रीजनिंग uh, का सेक्शन सो यू कैन गो फॉर दीज टू टॉपिक्स अगेन माइंड यू दीज टॉपिक्स आर नॉट वेरी इजी अगर मैं बात आउट ऑफ ऑल टॉपिक दीज टू आर द मोस्ट डिफिकल्ट वन बट येस yes, यहां पे मिनिमम एफर्ट के साथ यार दे विल मेक श्योर के आप पेपर को क्लियर कर लो रीजनिंग में राइट right. इनमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है सो हियर यू कैन सी देयर इज वन एग्जांपल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में तो पेपर लास्ट ईयर का है दूसरा ये वीडियो मैं आपको स्ट्रैटेजी देने के लिए बना रही हूँ बट यू कैन ऑलवेज गो हैड आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड करके इन क्वेश्चन को आराम से देख सकते हो और आप लास्ट ईयर का एग्जाम एग्जाम पेपर भी देख सकते हो राइट सो नाउ अब आ जाते हैं क्वांट पे अप्रोच क्या है मैं नॉन मेरिट की वो एंड में बताऊंगी इफ आई टॉक अबाउट क्वांट तो अगेन ये सारे आपके टॉपिक है दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन टॉपिक को इफ यू वांट टू नोट डाउन प्लीज नोट डाउन स्पेशली हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर बिकॉज दिस टॉपिक यू विल नॉट फाइंड इन योर नोटिफिकेशन सो so, ये आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं इन्हीं में से स्कोप है कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे वो टॉपिक आर इंपॉर्टेंट तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट यू विल हैव टू डू इसमें से भी देखो क्लियरली अगेन आई विल लाइक टू टेल यू जो आपका डी का क्वेश्चन है दिस लास्ट ईयर है टू क्वेश्चन अंडर इट एंड फोर क्वेश्चन फोर मार्क फोर मार्क्स फोर मार्क्स के दो क्वेश्चन आ रखे थे सो ओनली फ्रॉम डी आई देर वर द एट मार्क्स का क्वेश्चन राइट देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो तीन के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से नंबर सीरीज से दो तीन के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस पे भी की priority, आपकी कहां होनी चाहिए देन क्वाड्रेटिक में सीरीज में, 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 में then, uh, यहां पे अगेन आई टू टेल यू की इन टॉपिक्स में से सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा होगा गेस आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हो अगर आपने बोला है डीआई

आपके सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनको लेके ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्लीज डू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को थोड़ा तो पॉज करके या फिर बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके यू कैन सी कि किस लेवल के और किस टाइप की लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं राइट सो हियर यू सी आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी है सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल ओके देन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस और यू वांट टू बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर कि आपने क्योंकि बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है आरबीआई की प्रिपरेशन कर रखी है ईओएओ की प्रिपरेशन कर रखी है सो यू आर कंफर्टेबल विद अदर टॉपिक देन यू कैन गो अहेड विद दीज येलो मार्क टॉपिक आल्सो टाइम डिस्टेंस टाइम एंड वर्क इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस इन टॉपिक को आप फर्दर प्रिपेयर कर सकते हो बट गिवन द टाइम पीरियड कि अभी आपके पास कितना कम टाइम है आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस टॉपिक रादर इस टॉपिक को आपने मेरिट सेक्शन में वेल यूटिलाइज करना है नॉन मेरिट सेक्शन में द मोटो इज मिनिम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट राइट नाउ कमिंग टू योर इंग्लिश सेक्शन सो ये अच्छा थोड़े से एग्जाम्पल और हैं इसके सो ये सी दीज आर ऑल द एग्जाम्पल दैट यू विल बी गेटिंग

आपके 16 मार्क्स आ जाते कट ऑफ कितनी गई थी 12.5 तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाते हैं बट यहाँ पे देखो 100 परसेंट गारंटी नहीं है कि वी विल बी एबल टू डू द द 100 क्वेश्चन अंडर रीडिंग फिल इन ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट कोई गारंटी नहीं है इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू प्रिपेयर टू थ्री टॉपिक एक्स्ट्रा तो इस केस में आई वुड रिकमेंड यू गो विद द सिटिंग अरेंजमेंट एंड एरर डिटेक्शन इनमें से भी तीन तीन चार चार क्वेश्चन आते हैं तो वो आप कर सकते हो सो हियर यू सी आपके इस तरह close test के क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन भी आते हैं

राइट right. एंड अभी आपका मैराथन सेशन भी स्टार्ट हो गए हैं तो आपने मैराथन सेशन भी डेली लेनी है कंप्यूटर की डिसीजन मेकिंग की दोनों की अगर आप मैराथन सेशन ही अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा कवरेज मिल जाता है ठीक है देन आप अगर एक बार एम एस ऑफिस कर लेते हो देन थोड़ा सा आपने कंप्यूटर अवेयरनेस थोड़ा सा मेमोरी पार्ट पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है और इस एम एस ऑफिस में भी जो शॉर्टकट वाला इसके अंदर सब कॉम्पोनेट है ना वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल दो शॉर्टकट आपका इन जनरल भी हो सकता है राइट बट एम एस ऑफिस के लिए वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है सो हे यू कैन सी दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन विद काइंड ऑफ लैंग्वेज देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं राइट सो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन बी एबल टू सी बहुत ईजी और बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं इट इज आई वुड सी काफी बैलेंस्ड सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज का राइट तो हेयर यू सी वेरियस एक्साम्पल ऑफ द क्वेश्चन आई हैव टेकन इन क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो ज्यादातर क्वेश्चन अगेन कोई एप्लीकेशन पार्ट से नहीं आ रखा है राइट right, कि आपको कोई लॉजिक लगा के देखना है कि अगर इसको ये कहते हैं तो इसको वो कहते होंगे तो ऐसा ये लिख ऐसा कुछ नहीं करना वेरी डायरेक्ट एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन आर देयर इन द सेक्शन ऑफ कंप्यूटर अगेन आई वुड रिकमेंड यू जो आपका मैराथन सेशन है इसका कंप्यूटर का देख लो ठीक है जो कंडक्ट uh, अभी आपका हो गया है तो अभ, अभी होगा शाम को ठीक है तो आपने वो कंप्यूटर के सेशन को अच्छे से देखना है देन यू विल गो हैड एंड आपने इसके थोड़े से टॉपिक को रिवाइज अच्छे से करना है ठीक है तो देखो शॉर्टकट अगेन आई टोल्ड यू ना किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ओके okay. तो देखो ये थोड़ा जनरल में है शॉर्टकट एंड ये थोड़ा सा आपके एमएस uh, ऑफिस uh, में भी आ जाता है देन कमिंग टू योर डिसीजन मेकिंग तो डिसीजन मेकिंग में दीस आर ऑल द टॉपिक दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर क्या सारे टॉपिक करने हैं देखो डिसीजन मेकिंग में आई वुड से कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी आपका सिलेबस नाबाट का है ही नहीं अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करना चाहो तो दिस टॉपिक कैन बी वेरी वेल रैप्ड इन टू डेज बट अभी अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मेरिट सेक्शन में किसी सेक्शन से स्ट्रगल कर रहे हो करंट अफेयर याद नहीं हो रहे इन दैट केस आई वुड रिकमेंड यू गो विद द टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग मॉडल्स डिसीजन मेकिंग अप्रोच ठीक है इन तीनों सेक्शन को कर लो अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छे से तो इससे इट विल मेक श्योर कि आपके एक क्योंकि देखो दो मार्क्स जैसे यहाँ से आ गए वन मार्क्स फ्रॉम ईयर वन मार्क्स फ्रॉम ईयर इसमें ऐसा ही रहता है डिसीजन मेकिंग में ठीक है कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक है जिससे आपका सब हो जाएगा तो इसमें आपको दो से तीन टॉपिक वेल प्रिपेयर करके रखने हैं सो यू कैन सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आग आपको ज्यादा केस स्टडीज इन चीजों में नहीं घुसना है आपको बहुत ही स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करनी है बोथ फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर क्वेश्चंस आर इन बोथ केसेस वेरी डायरेक्ट ठीक है तो ये आपके क्वेश्चन है दैट आर दैट वर आस्ड इन योर डिसीजन मेकिंग के टॉपिक्स राइट नाउ कमिंग टू द अप्रोच तो अप्रोच में देखो मैं आपको बहुत सिंपल अप्रोच देने वाली हूँ आपने अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मेरे को बेसिक्स uh, नहीं आते हैं लेट्स से क्वांट के बेसिक नहीं आते रीजनिंग के मुझे इंग्लिश में ठीक है थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे को uh,

अगेन आई वुड नॉट से आप में से काफी सारे कहोगे कि मैम ये पॉसिबल ही नहीं है आई नो बट मैं ये नहीं कह रही कि आपने सब कवर करने जो इम्पोर्टेंट वन बोले हैं उनमें से आपने ट्राई करना है कि कवर हो सके अगर आपको किसी के बेसिक क्लियर नहीं है ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी के भी कुछ भी बेसिक नहीं आते अगर ऐसा केस है कि यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट द नॉन मेरिट सेक्शन तो येस yes, आपको थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा देन ये टेन आवर डायरेक्टली आपके थर्टी आवर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं तो आपका ऑफकोर्स मैं थ्री टाइम्स इसलिए इंक्रीज कर रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिलेबस कम है ऐसा है कि बस इसमें नंबर लाना थोड़ा सा इजी है या फिर इसमें रिजल्ट लाना बहुत इजी है नॉट नंबर बट रिजल्ट आना बहुत इजी है तो यहाँ पे आपको थर्टी आवर्स में तब भी दे रही हूँ बट कीप इट प्लीज ट्राई टू कीप इट एट टेन आवर उसके बाद आपको क्या करना है मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन इन नॉन मेरिट सेक्शन तो यहां यू कैन सी सबसे पहले आप सेक्शनल मॉक दोगे स्पेशल फॉर ईच सेक्शन आपका अगर क्वांट अच्छा है रीजनिंग अच्छा है बट यू स्ट्रगल विद इंग्लिश आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है सो यू शुड हैव सम सोर्स कि जिसमें आपको इंग्लिश के थर्टी क्वेश्चन मिल जाए दैट शुड बी रैप्ड अराउंड फिफ्टीन मिनट ताकि आपको टाइम बाउंड प्रिपरेशन एंड आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन दोनों का एक्सपीरियंस हो और वो भी सिर्फ इंग्लिश के लिए सो इट शुड नॉट बाइक कि आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हो इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए उससे क्या होगा लेट से यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन क्वांट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश और रीजनिंग तो आप उनको देखने लग जाओगे इंग्लिश में फोकस नहीं कर पाओगे और इट वुड बी कि आप बाकी पेपर देने बैठ जाओगे उसके बाद इंग्लिश का पेपर छूट जाएगा तो थोड़ा सा सेक्शनल टेस्ट की हेल्प बहुत आ, अच्छी होती है स्पेशली इन द नॉन मेरिट सेक्शन देन कमिंग टू लेंथ मॉक तो यहाँ पे फाइव मॉक आपने देने हैं ईच मॉक विल टेक टू आवर्स तो आपके टेन आवर्स के मॉक आपने लेना है ठीक है अब इस मार्क इस, इसी मॉक uh, में बेटर इज यू हैव सम सोर्स जिसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस पहले से मिल रहा है कि हाउ मेनी यू हैव अटेम्प्टेड हाउ मच वर वॉन्ग वट योर एक्यूरेसी परसेंटेज आपने कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है विच टॉपिक यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ सो दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी रेडिली अवेलेबल टू यू इफ नॉट इन दैट केस यू कैन टेक अप अप टू वन आवर और मैं वन आवर ऐसा नहीं करी फॉर ईच टेस्ट वन आवर देखो फाइव टेन मिनट लगते हैं अपनी गलतियों को एनालाइज करने के लिए

दैट इज अ मैथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बट आपको देख लेना की नहीं आती है अब इससे क्या होगा देखो एक तो आपके रेक्टिफिकेशन जब हो जाएगी तो एरर विल बी क्लियर टू यू आप वो गलती एग्जाम में नहीं करोगी दूसरी आपका रिविजन अगर आप डायरेक्शन लेस है रिविजन में सो दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ गो going for mock will give you a complete guidance a hand-holding key how to navigate through the non-merit section एंड इसमें आपको टोटल ट्वेंटी वन आवर लग जाएंगे आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द बेसिक वन बस ब, ब, पर बस मॉक देने में आपको इतना टाइम लग जाएगा एंड दिस अप्रोच शुड बी समथिंग दैट यू शुड अप्लाई फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन आई होप अब आपको नॉन मेरिट सेक्शन के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल गई है सारी चीजें क्लियर हो गई हैं इफ सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आई एम क्लियर ऑन नॉन मेरिट सेक्शन राइट right. क्योंकि ये बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ है कि आप इसमें कम एफर्ट डालो ज़्यादा एफर्ट आप डायरेक्ट करो राइट साइड में और अपना स्कोर और सिलेक्शन अच्छे से ले जाओ सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो इफ़ यू आर न्यू हियर एंड यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन डेलिजेंटली क्योंकि टाइम कम है तो आपको सारा मटीरियल एक साथ चाहिए सेक्शन कट ऑफ हो सेक्शनल एग्जाम हो एफ एल टीज हो तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे सो फॉर दैट वी हैव आ टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट कैन एनालाइज आपका हर चैप्टर में कितनी प्रिपरेशन है देन सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे फॉर इच सेक्शन बीट ऑर कंप्यूटर बीटी और डिसीजन मेकिंग बट ऑर इंग्लिश बीट ऑर क्या कहते हैं क्वान्टर रीजनिंग राइट तो आपको सारे मिल जाते हैं देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर फेज टू वो भी आपको सारे मिलते हैं देन करंट अफेयर के टेस्ट बीटीओर स्कीम बीटी रिपोर्ट बीटीओ करंट अफेयर बीटी और एग्री रिपोर्ट आपको सब मिलेगा देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर बोथ फेज वन एंड फेज टू भी आपको अवेलेबल होते हैं इस कोर्स में यही टेस्ट सीरीज अब इंक्लूडेड है हमारे क्रैश कोर्स में क्योंकि टेस्ट सीरीज में तो यू आर गेटिंग टेस्टेड अब रिवाइज कहां कहां से करोगे? अपनी कहां से करोगे करोगे अपनी गलतियां रेक्टिफाई सो फॉर दैट यू कैन गो अहेड विद द लाइव क्रैश कोर्स यहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं शॉर्ट नोट्स मिलते हैं माइंड मैप्स मिलते हैं क्विक रिविजन के लिए देन आपको मिलता है करंट अफेयर अब ये जो लाइव क्लासेस हो चुकी है ऑलरेडी उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं।

एंड ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके लिंक को चेक करना है यू विल हैव टू रजिस्टर देन एंड यू विल गेट दिस गाइड बुक फॉर नो कॉस्ट सो वट आर यू वेटिंग फॉर गो अहेड बट अगर आप यहाँ पे न्यू हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसी सेशन की ऑल दो आई वुड रिकमेंड यू की पीडीएफ लेने से अच्छा है यू गो विद हेड विद्यूज ऑफ ट्वेंटी 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 टू या तो सिर्फ ट्वेंटी ट्वेंटी टू की कर लो कंप्यूटर के लिए आप uh, सर के वीडियो देख लो एआर के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है ऑलरेडी पी वाई क्यूज की वीडियो है तो आप राधर गोइंग फॉर द वीडियो में ढूंढ रहे हो इससे बेटर है कि आप कंप्लीट पीवाईक्यूज डाउनलोड करो जो कि आपको कहा मिलेगी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अब इसके अलावा इफ यू न्यू डोट फोरगेट ज्वाइन आर यूट्यूब चैनल एंड आर टेलीग्राम चैनल एज वेल थैंक यू सो मच इफ यू गेट एनी अदर डाउट रिगार्डिंग द नॉन मेरिट सेक्शन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन